अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल। भाई इमरान फारूकी, थोड़ा गला ख़राब है। अच्छा जी, आज मैं जिस टॉपिक पे आप लोगों से बात कर रहा हूं, ये आजकल आप लोग देख रहे होंगे या बहुत से लोगों को पता होगा और बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। सीन कुछ यूँ है कि मैं तो एक अवेयरनेस के तौर पर बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी मुझे देखते हैं या सुनते हैं ये लोग, चीज़ों को पता होना चाहिए और बहुत से लोगों को पता होगा। हुआ कुछ यूँ है कि परसों मैं अपने एक दोस्त के साथ जा रहा था गाड़ी में, तो हमारे पास एक नए नंबर से कॉल आई, उनके पास एक नए नंबर से कॉल आई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जनाब, कौन बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी आप कौन बात कर रहे हैं? तो कहने लगे जी मैं एक, उन्होंने थाने का नाम लिया, मैं इस थाने से बात कर रहा हूँ, यहाँ का सब इंस्पेक्टर। अच्छा जी बोलिए, खैरियत? तो कहते हैं कि जी वो आपके जो हैं साहबजादे बेटे कितने हैं? उन्होंने कहा मतलब? कह रहे हैं आपके बेटे हैं, बच्चे हैं? कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हैं। कितने? तो उन्होंने कहा कि आप बताइए बात क्या है। तो कहने लगे कि जी आपके बेटे को हमने गिरफ्तार किया है। तो कह रहे हैं अच्छा, किस जुर्म में? कहने लगे कि जी वो बाइक पे जा रहे थे, हमने रोका था, अपने दोस्त के साथ था, उनके पास से पिस्टल बरामद हुआ है। कह रहे हैं अच्छा। तो कहने लगे आपके कितने बच्चे हैं? तो उन्होंने कहा मेरे तो 14 बच्चे हैं। अब उन्होंने यहाँ से समझ गया कि क्या सीन है, उन्होंने मजाक शुरू किया। कह रहे जी क्या मतलब? कह रहे भाई मेरे 14 बच्चे हैं, तुम कौन से बच्चे की बात कर रहे हो? तो कहने का आप लोगों से मकसद ये है इस बात का कि आजकल ये कॉल आ रही है लोगों के पास, कोई बैंक से कॉल कर रहा है कि जी हम बैंक से बात कर रहे हैं, आपका पिन कोड है वो हमें बता दें, हमने आपको SMS किया है, अभी आपके पास एक SMS वसूल होगा, उसमें जो आया आप हमें बताएं, या कोई कह रहा है कि हमने आपके बच्चे को गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह करके, पता नहीं मेरी शक्ल आ भी रही है नहीं आ रही, इस तरह करके ये डम कॉल्स आ रही हैं। अच्छा फिर अगर वहाँ पर जाते हैं तो वो लूट मार होती है, क्या होती है, ये सारी चीज़ें। सो प्लीज़ आप लोग इन चीज़ों से, इन चीज़ों का ख्याल रखें, कोई भी इस तरह की कॉल आए, क्योंकि आपके काय के लिए कॉल है, कोई कहता है आपके भतीजे के लिए, कोई कहता है आपके भांजे के लिए, सो प्लीज़ पहले कन्फर्म करें, पहले चीज़ों को मालूम करें, उसके बाद आप उसको आगे बढ़ें, क्योंकि ये आजकल फेक कॉल हर चीज़ के हिसाब से आ रही है, बच्चों के लिए, इसके लिए, उसके लिए, आपके, जैसे कि आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा फेसबुक पे भी एक आया था कि एक वाले साहब को कॉल आई थी कि आपका बच्चा जो है वो हमें स्कूल के बाहर से मिला है, जबकि बच्चा उस वक्त अपने स्कूल के अंदर ही था जब उन्होंने कॉल करी। तो प्लीज़ प्लीज़ आजकल का जिस तरह का माहौल चल रहा है, बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर आप स्कूल छोड़ने जाते हैं तो अपने सामने अंदर उनको भेजें, और जब तक आप नहीं आए वो लोग बाहर नहीं आए, ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको अपनी ज़बान में रखे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।